स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे भारत माँ के चरणों में नमन बंदन करते हुए मैं अंजनी सिंह जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र सहित अपने धानापुर सैयद राजा चंदौली की समस्त सम्मानित जनता सहित अपने उत्तर प्रदेश अपने भारत की समस्त सम्मानित जनता को स्वागत प्रणाम करता हूँ। साथ ही अगस्त क्रांति के उन दिनों से लेके और आजादी के दिनों तक अपने प्राणों की आहुति देने वाले अपने आपको न्यौछावर कर देने वाले समस्त क्रांति वीरों को स्वतंत्रता सेनानियों को अमर शहीदों को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सादर नमन वंदन करता हूं। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि जात धर्म मजहब पंथ दल के भावनाओं से ऊपर उठ करके हमें कहीं न कहीं भारत के लिए जीना होगा, भारत के लिए काम करना होगा। ठीक है, राजनीति अपनी जगह पे है, जिसको जो दल प्रिय है उस दल में राजनीति करता है और करता रहेगा, लेकिन दल का मतलब नहीं, जात का मतलब नहीं, धर्म का मतलब नहीं, मतलब सिर्फ भारत माँ का होना चाहिए, अपने राष्ट्र का होना चाहिए। सारी दलों की राजनीति राष्ट्र के लिए समर्पित होनी चाहिए। हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोगों के बीच सौहार्द और उनके सेवा सुख के लिए समर्पित होना चाहिए। मैं पुनः भारत के लोगों से अपील करता हूँ, साथ ही भारत को पहली आजादी देने वाले इस धानापुर की शहीदी माटी सैयद राजा चंदौली की शहीदी माटी के समस्त क्रांति वीरों को नमन करता हूं। जब भारत देश स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त 1947 को हम मनाते हैं आजाद हुए, लेकिन उससे पहले 1942 को ही हमारे वीर रणबांकुरे अमर शहीद शहीद हीरा सिंह रघुनाथ सिंह महू सिंह जी ने तमाम कामता प्रसाद विद्यार्थी जी के नेतृत्व में हरिनारायण अग्रहरी जी ने सुमंगल यादव जी ने बलराम सिंह दादाजी हमारे परदादा आप सभी जितने स्वतंत्रता सेनानी ने इस धानापुर की धरती को आजाद कराया, धानापुर के थाने पे तिरंगा फहराया, धानापुर को 1942 में 10 दिनों के लिए आजाद कराया, ऐसे समस्त क्रांति वीरों को नमन करता हूँ। सैयद राजा के सभी क्रांति वीरों को नमन करता हूँ। सकलडीहा चंदौली के चहनिया के समस्त क्रांति वीरों को नमन करता हूँ। आप सबको पुनः बधाई देता हूँ, धन्यवाद। आइए हम एकजुट रहें, मिल करके अपने भारत के सौहार्द को बढ़ाएं, भारत की सुख को बढ़ाएं, भारत के सौंदर्य को बढ़ाएं, भारत में शांति लाएं, भारत में सौहार्द लाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।